भारत के सभी राज्यों की खबर, खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, SNS न्यूज चैनल से मैं अश्विनी। गणपति उत्सव और ईद मिलाद उन नबी का त्योहार मनाए शांतता पूर्वक। SP लोहित मतानी, एडिशनल SP कातकड़े, SNS न्यूज और न्यूज फ्लेम की ओर से भंडारा वासियों को निवेदन करते हैं कि भंडारा शांतता का प्रतीक है और गणपति ईद मिलाद उन नबी त्योहार शांतता पूर्वक मनाए। आइए दिखाते हैं विदर्भ हेड सैयद जाफरी की ये रिपोर्ट। भंडारा पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, एडिशनल SP कातकड़े, होम DYSP बागुल के मार्गदर्शन में आज दिनांक 6 सितंबर को पुलिस मुख्यालय सभागृह में आने वाले गणपति उत्सव व ईद मिलाद उन नबी त्यौहार शांतता पूर्वक मनाया जाए। उसके लिए उप विभागीय भंडारा की ओर से शांतता कमेटी जाति सलोखा समिति सदस्य मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें विशेषता SP लोहित मतानी, ADSP कातकड़े ने मार्गदर्शन करते हुए कहा कि दारू विक्रेता जिनके ऊपर केस दर्ज है उन्हें 15 दिन के लिए तड़ी पार किया जाएगा। नमस्कार, मैं SNN न्यूज चैनल से सैयद जाफरी। आज गणपति और ईद उन मिलाद उन नबी को लेके सभी भंडारे के ज्ञानी बुद्धिमान और यहाँ के लोकल लोग, महिला मंडल सबको SP और एडिशनल SP होम DYSP बुलाए हैं। और मैं SNN न्यूज चैनल के द्वारे अपील करता हूँ कि भंडारा शांति जिला और सब भाईचारे से ही पर्व मनाए और कानून व्यवस्था को बनाए रखे। सर, क्या भंडारा की जनता के लिए क्या संदेश है? भंडारा की जनता के लिए मेरा यही संदेश है कि इस बार जो आने वाला गणपति उत्सव है और ईद मिलाद का जो उत्सव है वो एक ही दिन आ रहे हैं, विसर्जन का दिन और विरुप का दिन। तो मैं यही सबको संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग किसी भी प्रकार का आक्षेप आ रहे हैं सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं डालें, ना नहीं शेयर करें। और कोई अगर इस तरीके का पोस्ट डालता है या शेयर करता है उसकी जानकारी पुलिस को दें और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अंतर्गत इमीडिएटली हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। और दूसरा, आने वाला सन उत्सव पूरी उत्साह से मनाया जाए उसके लिए पुलिस जो पुलिस है फोर्स है पूरी तरीके से हम लोग तैयार हैं। जितने भी कुछ क्रिमिनल्स पर हमने तड़ी पारी के प्रपोजल भेजे हैं उन पर तड़ी पारी कार्रवाई होना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और पिछले कुछ वर्षों में जो लोग हिंदू मुस्लिम संघों में सम्मिलित थे, दलित सवन संघों में सम्मिलित है, उन सभी की यादें हमने तैयार किया है, उन सभी पे हम लोग कार्रवाई इस बार कर रहे हैं। और इसमें साथ ही साथ हम लोगों ने इस वर्ष एक खिड़की योजना चालू की है जिसमें पुलिस स्टेशन इंचार्ज के माध्यम से सभी डिपार्टमेंट की परमिशन पुलिस स्टेशन में उनको मिल जाएगी और उनको अलग अलग डिपार्टमेंट में जाकर क्या कहते हैं वहाँ पर जाकर अपना समय खराब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उनको क्या क्या अड्डी और शड्डी एक ही जगह पर बता दी जाएगी ताकि उनके मन में कोई कन्फ्यूजन ना रहे और किस प्रकार से गणपति उत्सव मनाया जाना है और बाकी उत्सव मनाए जाने उनको जानकारी मिले। इस प्रकार की हमने पुलिस प्रशासन जहाँ जहाँ पर भी सेंसिटिव पॉइंट्स हैं जैसे कि शीतला माता मंदिर का पॉइंट है, उसके पीछे नूरी मस्जिद है, यहाँ पर बंदोबस्त रहेगा। उसके अलावा जो ईद का जो मिरणुक जाएगा जहाँ जहाँ पर रस्ते पर गणपति मंडल होंगे या मंदिर होंगे वहाँ सभी जगह बंदोबस्त रहेगा। उसके अलावा जहाँ जहाँ पर ये बैनर्स लगे होंगे ईद के या फिर गणपति के वहाँ पर भी बंदोबस्त रहेगा। और उसी प्रकार से जब गणपति का विसर्जन हो रहा होगा तब मस्जिद के सामने बंदोबस्त रहेगा, सेंसिटिव पॉइंट पर बंदोबस्त रहेगा और विसर्जन के ठिकान पर सभी डिपार्टमेंट से मिलकर वहाँ पे इंतजाम किया है। सर, एक चैनल के द्वारा और ईद के दरमियान हम लोग जितने भी दारू बेचने वाले हैबिचुअल ऑफेंडर हैं और सट्टा खिलाने वाले हैबिचुअल ऑफेंडर हैं सभी का हम लोग प्रपोजल तहसीलदार साहब को भेज रहे हैं और उनको 15 दिन के लिए सभी लोगों को हम लोग जिले से तड़ी पा रहे हैं। SNN न्यूज चैनल से खुद SP लोहित मतानी ने, उन्होंने बोला कि शांति तार रहेगा और सभी देशवासी और भंडारे की जनता भाईचारा से करे और कानून व्यवस्था को हाथ में ना ले। SNN न्यूज चैनल से मैं सैयद जाफरी।